हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी ज्ञान। सो इस वीडियो में हम लोग जूलॉजी आरपीएससी एसीएफ का पेपर करेंगे प्रीवियस ईयर का। इससे पहले के तीन वीडियोस में हमने 150 क्वेश्चंस कर लिए थे। अभी लास्ट 50 क्वेश्चंस जो बच गए थे वो हम करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है जर्म थ्योरी यानी जर्म प्लाज्म थ्योरी के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो ये किसने दी थी? तो ये जो है वीजमैन ने दी थी, इसे प्रतिपादित किया था और उन्होंने कहा था कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो इनहेरिटेंस है वो जर्म सेल्स के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विच जर्म लेयर डेवलप्स फर्स्ट। तो भ्रूणीय विकास के समय जो है सबसे पहले विकसित होती है एंडोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन। तो ये जो फीमेल एनोफिलीज होती है उसकी गट में यानी उसकी स्टमक में जो है ये पाई जाती है। तो जो सेक्सुअल फेज है वो मॉस्किटो में कंप्लीट होती है और जो एसेक्सुअल फेज है वो ह्यूमंस में कंप्लीट होती है प्लाज्मोडियम की। नेक्स्ट है रेप्टाइल गेव राइज टू। तो रेप्टाइल से जो है मैमल्स भी बने थे और बर्ड्स भी बने थे, तो बोथ वन एंड टू हो जाएगा इसका आंसर। तो सोरोप्सिड्स जो थे उन्होंने बर्ड्स को उनसे बर्ड्स बने थे और जो थेरोप्सिड्स या फिर सिनेप्सिड्स जो थे उनसे मैमल्स बने थे। नेक्स्ट है ड्यूडिनम ग्रहणी से सिक्रीटीन का श्रावण होता है जो है। तो सिक्रीटीन जो है वो एक हार्मोन है और ये रेगुलेट करता है पीएच ऑफ ड्यूडिनम। नेक्स्ट है मैन हु स्टार्टेड यूजिंग एनिमल स्किन एज क्लोथ। तो ये जो सबसे पहले यूज़ किए थे ये थे क्रो मैग्नन्स, जिन्होंने कि पशुओं की त्वचा का उपयोग कपड़ों के रूप में शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है द ग्लैंड विच डीजनरेट्स विद ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो ये जो थाइमस होता है ये जैसे ही हम प्यूबर्टी स्टेज में आते हैं वैसे ये जो है डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो साइकन में जो है कैनाल सिस्टम होता है, बिल्कुल सही है। स्टारफिश में रेडियल सिमेट्री होती है, ये भी सही है। प्रॉन्स में हीमोसील होता है, ये भी सही है। लेकिन जो एस्केरिस है उसमें फ्लेम सेल्स नहीं होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके। जो फ्लेम सेल्स हैं वो पाए जाते हैं फ्लैट वर्म्स में, रोटीफर्स में, इन सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर इन मैन। तो टीथ वेस्टिजियल नहीं है, इंटरनल ईयर भी वेस्टिजियल नहीं है और टंग भी वेस्टिजियल नहीं है। तो कर्ण पेशिका पेशियाँ जो है ईयर मसल्स जो है वो वेस्टिजियल है ह्यूमन मैन में। नेक्स्ट है आइसलेट ऑफ लिंगर हैंड्स कंसिस्ट ऑफ। तो इसमें अल्फा बीटा डेल्टा और एप्सिलॉन ये चारों प्रकार की जो है सेल्स पाई जाती हैं। अल्फा सेल से जो है ग्लूकोगन का सिक्रीशन होता है, बीटा से इंसुलिन का होता है, डेल्टा से सोमेटोस्टैनिन का, और जो एप्सिलॉन सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करती हैं गैरलिन हार्मोन जो कि इंड्यूस करता है हंगर को यानी भूख को जो है इंड्यूस करता है ये हार्मोन जो एप्सिलॉन सेल्स सिक्रीट करती हैं। नेक्स्ट है ए है बी, ए ब्लड है, बी कार्टिलेज और सी न्यूरॉन। तो इसमें से कौन सा जो है संयोजी उत्तक है? तो ब्लड और कार्टिलेज जो है वो दोनों संयोजी उत्तक हैं, न्यूरॉन्स जो है वो संयोजी उत्तक नहीं होते हैं। तो ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एनिमल हुज फॉसिल्स आर नॉट अवेलेबल। तो देखो एम्फीबियन मैमल्स और बर्ड्स सबके फॉसिल्स जो हैं जीवाश्म उपलब्ध हैं लेकिन जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं इनके जीवाश्म जो है वो उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑड वन आउट। तो सर्केरिया, बाइपिनेरिया और इफायरा ये सारे क्या हैं? लार्वल स्टेजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के। तो सर्केरिया जो है वो ट्रेमेटोडा का है, बाई पिनेरिया जो है वो इकाइनोडर्मेटा का लार्वा है और ईफायरा जो है वो जेलीफिश का लार्वा है, जबकि टीनिया सोलियम जो है वो एक टेप पम है। तो ये लार्वा नहीं है, ये ऑड वन आउट हो जाएगा इसमें से। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस इज़, तो प्रोफेज फर्स्ट जो है वो लॉन्गेस्ट फेज है। इसमें क्या होता है कि होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। तो गैलापागोस आइलैंड, डार्विन फिंचेस ये बिल्कुल सही है, ओरिजिनल स्पीशीज ये गलत है। तो सही आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। ओरिजिनल स्पीशीज लिखी थी डार्विन ने,
जिराफ का जो है लेमार्क ने जो नेचुरल सिलेक्शन वाला दिया था, और मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्ट। तो मैन में किडनी होती है एक्सक्रीटरी, और अर्थवॉर्म में नेफ्रिडिया होते हैं, बैलेनोग्लोसर्स में प्रोबोसिस ग्लैंड होते हैं, और कॉकरोच में जो मेलपिजिन ट्यूब्यूल्स होती है ना कि फ्लेम सेल्स। तो ऑप्शन टू इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द साइट ऑफ पेप्टाइड सिंथेसिस इन अ सेल इज। तो पेप्टाइड जो कि प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है, तो ये राइबोसोम्स में होगा। नेक्स्ट है, सिकल सेल एनीमिया इज। तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो ऑटोसोमल हेरिडिटरी डिजीज है। नेक्स्ट है, ह्यूमन सेल विच इज़ विदाउट माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो RBC जो है उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, जिनमें से माइट्रोकॉन्ड्रिया भी एक है। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रू फिश। तो इसमें से जो स्टोन फिश है वो एक ट्रू फिश फिश है, जबकि जेली फिश जो है वो एक निडेरियन है, और क्रे फिश जो है वो एक क्रस्टेशियन है, और सिल्वर फिश जो है वो एक आर्थ्रोपोडा है, जो कि हमारी बुक्स में भी मिल जाती है जब बुक्स बहुत दिन तक बंद पड़ी हो, तो इसलिए उनको खोल लेना चाहिए टाइम से टाइम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्ट। तो ये फीमेल कॉकरोच में जो है एनल सरकाई पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है, मेल और फीमेल दोनों में। फीमेल एस्केरिस कर्व पोस्टीरियर एंड, ये गलत है, ये मेल में पाया जाता है, जबकि फीमेल एस्केरिस जो है वो लंबी होती है मेल से। मेल फ्रॉग कॉपुलरी कॉपुलेटरी पैड ऑन हाइंड लिम्ब। तो ये हाइंड लिम्ब पे नहीं पाया जाता, ये फोर लिम्ब पे जो है पाया जाता है उनके। और लास्ट है, मेल शार्क में क्लास्पर्स ऑन पेल्विक फिन्स। तो ये भी सही है, तो इसमें जो है दो ऑप्शन जो है सही हो रहे हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ, जबकि इसके ऑप्शंस बाकी के जो है मैच वाले दे नहीं रखे, तो फर्स्ट एंड फोर्थ इसका सही है। नेक्स्ट है, वन एनिमल बिलोंग्स टू फाइलम, टू विच सी अर्चिन बिलोंग्स। तो सी अर्चिन जो है वो इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करता है, और इनमें से जो सी लिली है वो भी एक इकाइनोडर्मेटा है। नेक्स्ट है, द फैक्टर विच इनएक्टिवेट्स टाइलिन इन द स्टमक। तो ये जो है HCL जो है वो इनएक्टिवेट करता है टाइलिन को। नेक्स्ट है, डार्विन स्टडीड नेचर यूजिंग विच शिप। तो डार्विन की जो शिप का नाम है वो था HMS बीगल। ये क्वेश्चन अभी आया था रिसेंटली एग्जाम में। नेक्स्ट है, स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। तो इसे हम कहते हैं फाइलोजेनी, और फाइटोजेनी जो है वो होती है प्लांट्स की। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन। तो इसमें से जो एंटेरोकाइनेज है वो एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन है, इसे हम एंटेरोपेप्टाइडेज भी कहते हैं, और ये जो है इनिशियल डाइजेशन ऑफ इंटेस्टाइनल सॉरी इंटेस्टाइनल डाइजेशन जो है प्रोटीन्स का, उसमें ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैश। तो हाउस फ्लाई जो है उसका नाम होता है मस्का डोमेस्टिका, ये एक ऑर्डर नहीं है। टाइगर टिग्रिस द स्पीशीज़, ये बिल्कुल सही है। मैन प्राइमेटा, ये भी सही है, एन ऑर्डर। ऑक्टोपस जो है वो मोलस्क फाइलम है, क्लास नहीं है, तो इसका सेकेंड और थर्ड दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, चूज़ द करेक्ट मैचिंग। तो लिप्टोटीन में जो है क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, जाइगोटीन में कियाज़मेटिन नहीं बनते, और एस फेज जो है उसमें DNA रेप्लिकेशन होता है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, गैस्ट्रीन इज सिक्रीटेड फ्रॉम। तो गैस्ट्रीन जो है वो स्टमक से सिक्रीट होती है हमारे। नेक्स्ट है, रेडोलेरियन ऊज बिलोंग्स टू विच क्लास। तो ये राइजोपोडा से बिलोंग करता है, रेडोलेरियन ऊज जो है। नेक्स्ट है, द कॉज ऑफ क्रिटिनिज्म इज। तो क्रिटिनिज्म जो है वो बच्चों में हाइपोथायरायडिज्म की वजह से होती है, इसमें जो है वो बच्चों की रिटार्डेड ग्रोथ हो जाती है, और जो है ये हाइपोथायरायडिज्म की वजह से होगी, यानी लेस सिक्रीशन ऑफ थायराइड। नेक्स्ट है, पॉइजन ऑफ नाजा इज। तो नाजा का जो विष है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। नेक्स्ट है, चूज़ द करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से जो करेक्ट है वो है फर्स्ट ऑरेलिया, जिसमें नीडोब्लास्ट होते हैं, और ये सिलेंट्रेटा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयर? तो थायराइड जो है वो पीटीएच से नहीं होता, पैरा थायराइड ग्लैंड जो है वो पीटीएच सिक्रीट करते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन सिक्रीट नहीं करता है, इसे हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, एड्रेनल मेड्यूला से एड्रेनलिन सिक्रीट होता है, ये बिल्कुल सही है, कॉर्पस ल्यूटियम से जो है प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंक्लूड्स यूजफुल इंसेक्ट्स, तो इसमें से जो लाइटा और टेकार्डिया जो है ये दोनों यूज़फुल हैं। लाइटा से हमें केमिकल मिलता है कैंथेरेडिन, जो कि अस्थमा एपिलेप्सी और वार्ट्स वगैरह को ठीक करने के काम आता है, और टेकार्डिया जो है वो उससे हमें लाख मिलता है, जिससे लाख की चूड़ियाँ वगैरह जो बनती हैं वो इसी से बनती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमिलर इन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, तो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन में जो सिमिलर है वो है ब्लड और हार्ट। नेक्स्ट है, विच इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ एक्टोडर्म, तो ये है ब्रेन जो एक्टोडर्म से बनी है। द वैक्टर होस्ट ऑफ येलो फीवर इज़, तो येलो फीवर जो है पित्त ज्वर का वाहक पर पोषक है, एडीज मॉस्किटो। आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग फूड चेन, तो इसमें पहले है घास है, फिर कीट है, फिर मेंढक है, तो यहाँ पे जो है सांप आ जाएगा, कोबरा आ जाएगा और फिर बाज आ जाएगा, कि मेंढक को ना ना तो भेड़िया खाएगा, ना पैरट खाएगा, ना रैबिट खाएगा। विडाल टेस्ट इज कैरिड आउट फॉर, तो ये टाइफाइड के लिए होता है विडाल टेस्ट। अब लैक इज एन, तो लैक क्या है, एक एनिमल प्रोडक्ट है, ये अभी हमने देखा था ऊपर वाले क्वेश्चन में, कौन सा इंसेक्ट से ये जो है सिक्रीट होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आ जाते हैं, जो पहले कोई क्वेश्चन आ रखा और उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन बन जाते हैं, तो पेपर जो है आप आराम से कर सकते हो अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। नेक्स्ट, विच एनिमल एग्जिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो इन सब में से जो फ्रॉग है उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, पानी के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन होता है इनका। नेक्स्ट है, हाउ मैनी बेस पेयर विल बी इन अ डबल हेलिकल डीएनए हैविंग 1.7 मीटर, तो देखो एक जो दो लेंथ होती है टू बेस पेयर्स की वो होती है 0.34 नैनोमीटर। अब हमें डबल हेलिकल की जो है डीएनए की लेंथ दे रखी है 1.7 मीटर, तो इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स इनटू जो डिस्टेंस है बिटवीन टू बेस पेयर, दैट इज़ 34 नैनोमीटर। तो अब इसे हम जो है बेस पेयर का नंबर निकाल सकते हैं, बेस पेयर का हो जाएगा 1.7 × 10⁻⁹ नैनोमीटर अपॉन 0.34। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 × 10⁻⁹ जो है इसका आंसर आ जाएगा, कि इतने जो है बेस पेयर प्रेजेंट होंगे 1.7 मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांच जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किया है, तो ये विटाकर ने किया है। विच टाइप ऑफ एग एंड टाइप ऑफ क्लीवेज इन इंसेक्ट्स आर रिस्पेक्टिवली, तो एग जो है उनका सेंट्रल एसिथल होता है और क्लीवेज जो है वो सुपरफिशियल होता है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैरलस लिनियसिस, तो इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, द्विनाम पद्धति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉलिड एम्ब्रियो एट 16 सेल स्टेज इज, तो 16 सेल स्टेज में जो एम्ब्रियो होता है उसे हम कहते हैं मोरूला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डीएनए हैज़ एटीजी सीएजी कोड्स व्हाट विल बी द कोड इन एमआरएनए, तो एमआरएनए के लिए जो है थायमिन की जगह यूरैसिल हो जाएगा, तो ए जो है वो कोड करेगा यू को, टी ए का हो जाएगा और जी का हो जाएगा सी, और सी का जी, ए का यू और जी का सी, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटीन पार्टिसिपेट्स इन ब्लड क्लॉटिंग, तो फाइब्रिनोजन जो है वो पार्टिसिपेट करता है ब्लड क्लॉटिंग में, इसके अलावा विटामिन के होता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है, द हीमोपोएटिक स्ट्रक्चर इन एम्ब्रियो इज, तो ये है योक सैक जो कि हीमोपोएटिक स्ट्रक्चर होता है। तो ये सारे जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए, पूरा पेपर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे टॉपिक वाइज, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। नमस्कार, आरपीएससी ज्ञान अब जुड़ गए हैं ओन गुरु के साथ। ओन गुरु लाया है आपके लिए बेहतरीन तोहफा। जी हाँ, अब एसएससी की तैयारी करना हुआ और भी आसान।
ओन गुरु आपको दे रहा है सिर्फ 9 रुपए में 175 सेक्शनल टेस्ट पेपर्स एंड 3 मॉक टेस्ट पेपर्स। सिर्फ ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करें। डाउनलोड ओन गुरु ऐप, अप्लाई दिस कूपन कोड, क्लिक ऑन पे यू मनी एंड पे ₹9 वाया मोड ऑफ योर चॉइस एंड एंजॉय द टेस्ट सीरीज फॉर 1 वीक।